बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने 6 मई को रायबरेली और अमेठी में होने वाले मतदान में गठबंधन के कार्यकर्ताओं से कांग्रेस को समर्थन देने की अपील की है। मायावती ने कहा, 4 चरणों के चुनाव में जनता ने गठबंधन का समर्थन किया है, जिससे भाजपा परेशान है। यह गठबंधन सिर्फ केंद्र में नया प्रधानमंत्री व नई सरकार बनने के लिए नहीं है, बल्कि यूपी में भी भाजपा की सरकार को हटाएगा। उन्होंने कहा कि 23 मई को देश को निरंकुश व अहंकारी शासन से मुक्ति मिल जाएगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने चुनाव के बाद भाजपा के साथ जाने के कयासों और निराधार बताते हुए कहा, सपा बसपा गठबंधन सिर्फ मतदान के लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इसके सामने लाचार नजर आ रहा है, इसलिए वह दोनों पार्टियों को लेकर भ्रम में फैला है। बसपा प्रमुख ने कहा कि 4 चरणों के चुनाव में जनता ने गठबंधन का समर्थन किया है, जिससे कि भाजपा परेशान है। 5वें चरण का मतदान 6 मई को होना है। सपा बसपा गठबंधन ने रायबरेली और अमेठी में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। यहां से सपा अध्यक्ष सोनिया गांधी व कांग्रेस राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।